प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान का भाग्य क्यों पहले से तय होता है? और भाग्य के बारे में यह प्रश्न सदियों से इंसानों के मन में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वास के आधार पर समझता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काशी राज्य के एक छोटे से गांव में सुखदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। सुखदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी रूपमणि भी सदैव बीमार रहती और उसके दो बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। सुखदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर सुखदेव खेत में जाता और कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर सुखदेव के मन में गहरी निराशा भर गई। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही सब कुछ लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? सुखदेव के मन में यह सवाल बार बार उठता था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। सुखदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि सन्यासी महात्मा महान ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि सन्यासी महात्मा इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। सुखदेव ने अपनी पत्नी रूपमणि से कहा, मैं सन्यासी महात्मा से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ। रूपमणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सुखदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह सुखदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और सन्यासी महात्मा की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सुखदेव के मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता और कभी ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने सुखदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। सुखदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र, सन्यासी महात्मा ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। सन्यासी महात्मा तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद सुखदेव अंततः सन्यासी महात्मा के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे
जो सन्यासी महात्मा के प्रवचनों को सुन रहे थे। सुखदेव ने सन्यासी महात्मा के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। सुखदेव ने विनम्रता से सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं सुखदेव हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? सन्यासी महात्मा ने शांत स्वर में कहा, सुखदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। सन्यासी महात्मा ने सुखदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सुखदेव, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। सुखदेव ने सन्यासी महात्मा की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। सुखदेव के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए सन्यासी महात्मा ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। सन्यासी महात्मा ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। सुखदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने सन्यासी महात्मा से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? सन्यासी महात्मा मुस्कुराए और उत्तर दिया, सुखदेव, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर सन्यासी महात्मा ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाई। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत न मिले। सुखदेव के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने सन्यासी महात्मा से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सन्यासी महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, सुखदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। सन्यासी महात्मा ने यह भी कहा,
अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। सन्यासी महात्मा ने सुखदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। सन्यासी महात्मा की बातों ने सुखदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। सुखदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने सन्यासी महात्मा से कहा, भगवान मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। सन्यासी महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा। सुखदेव सन्यासी महात्मा से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का फल हैं, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर सुखदेव ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। सुखदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, सुखदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। सुखदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ सुखदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। एक दिन फिर से सुखदेव सन्यासी महात्मा के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सन्यासी महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुखदेव अभी मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भाग्य और कर्म पर आधारित है। एक जंगल में एक आवाज आई, अरे मेरा राजकुमार, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा है तू, आज इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? सारे जानवर कहां मर गए? लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? लोमड़ी शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से निकलकर काफी दूर आ जाती है। अरे ये क्या, भूख के चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया, लेकिन सुना है इंसानों की बस्तियों में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। चलो आज देखता हूं, कुछ तो मिलेगा ही।
तभी वह लोमड़ी राजा के बगीचे में घुस जाती है और वहां एक नौकरानी राजा के बेटे को झूला झूला रही होती है, और तभी वह अचानक से लोमड़ी को देखकर डर के मारे भाग जाती है। मौका देखकर लोमड़ी तुरंत उस नन्हे राजकुमार को उठाकर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी, ये लोमड़ी के पास क्या है, लगता है कोई शिकार ले आया है और वो उसे खाने की फिराक में है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूं, मुझे बिना बताए ही शिकार को अकेले ही सफाचित करने की सोच रहा है ये लोमड़ी। शेर को अपनी ओर आता हुआ देख लोमड़ी डर के तुरंत वहां से भागने लगती है। आनन फानन में शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वहीं कुछ दूर पर खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। यही सही मौका है इस बच्चे को यहां से अपने साथ ले जाने का, नहीं तो वो लोमड़ी या शेर दोनों में से कोई ना कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय जल्दी से उस बच्चे को लेकर अपने घर में आ जाती है और उसे अपना दूध पिलाती है। हाँ सिर सीकुनी, इस लोमड़ी ने तो मुझे आज बहुत थका दिया, इतना तो मैं पिछले 10 सालों से भी नहीं दौड़ा था जितना आज दौड़ लिया है। अब उस नन्हे शिकार को खाऊंगा, फिर जाकर अपनी गुफा में सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वह नन्हा बच्चा पड़ा था। अरे ये क्या, वो नन्हा बच्चा कहां चला गया, कौन ले गया उसे, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया। मैं इसका पता लगाकर रहूंगा, जरूर ये उसी लोमड़ी की कोई चाल है, उसने मुझे गलत दिशा में भगाकर खुद यहां आकर उस बच्चे को उठा लिया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, महाराज मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो अचानक वहां लोमड़ी को देखकर मैं डर गई और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तभी अचानक राजकुमार मेरे हाथों से छूट गए और वो लोमड़ी तुरंत राजकुमार को अपने मुंह में दबोच कर वहां से भाग निकली। तभी मैं तुरंत सैनिकों को ढूंढने लगी कि जल्दी से उस लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा लें, लेकिन वहां कोई सैनिक मौजूद ही नहीं थे और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। राजा को नौकरानी पर बहुत क्रोध आता है, सिपाहियों ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो, इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज मुझे माफ कर दो, ना जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैं इस बच्चे को यहां ले आई और इसकी जान बच गई, पर मैं इसे ताए डर थे इसे बिकाही इसके घर वापस कैसे पहुंचाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है कहां होगा इसका घर, कौन होंगे इसके माता पिता। लेकिन अब इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी और उन भूखे जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी होगी। अब वह गाय रोज उस बच्चे को घर के अंदर ही सुलाकर घास चरने चली जाया करती और घर आकर बच्चे को दूध भी पिलाती। देखते देखते अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा मैं अब घास चरने जा रही हूं और तुम्हारे लिए भी कुछ ताजे फल ले आऊंगी, तब तक तुम यही घर में ही चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि यहां कोई है। हां मां मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा जैसे आज तक नहीं गया हूं, सारे मजे तो इस गाय के हैं, जब मर्जी हो घास खाओ, जब मन हो तो फल भी खा लो, लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो इस गाय का तो काम हो गया, अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतजाम करता हूं। अब गाय रोज घास खाने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल लेकर आती। ये गाय रोज ताजे फल तोड़कर ले जाती है, भला ये किसके लिए ले जाती होगी, जबकि ये तो भर पेट घास खा लेती है। जंगल में आज पता लगाकर ही रहूंगा कि माजरा क्या है। लोमड़ी अब गाय के पीछे उसके घर के पास चला जाता है। माँ आ गई तुम, बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतजार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा आ गई, ये ले फल खा ले तू, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। माँ तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो, देखो ना तुम कितना थक जाती हो। माँ आज से तुम घर पर रहो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊंगा और अपने लिए फल भी ले आऊंगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता। बेटा क्योंकि यह जंगल जानवरों का है और यहां जानवर रहते हैं, इंसान नहीं, और अगर कोई भी जानवर तुझे अकेला देख लेगा तो तुझे वो अपना शिकार बना लेगा, इसलिए मैंने तुझे इतने सालों से कभी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा तो ये माजरा है,
इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं बरसों पहले उठाकर लाया था और इसको ये गाय चुपके से पाल रही है और आज ये इतना बड़ा हो गया है। और शेर महाराज को लगता था कि मैंने उस बच्चे को खा लिया है। अब यह बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी, क्यों उस बच्चे को वो गाय उठा ले गई थी और वो बच्चा उसके साथ है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। तो ठीक है, चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है, कई दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, अगर अभी उसे खाने जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वह गाय अपने घर में दरवाजा बंद करके रखती है और हमें देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वह घास चरने मैदान में जाएगी तब आप उस पर हमला कर देना और फिर उसके बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूं घास खाने और तुम्हारे लिए भी ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, शेर महाराज शिकार सामने है, बस आप जल्दी से उसे दबोच लें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। शेर तुरंत ही उस गाय के सामने आ जाता है। ए गाय, तूने हमसे छुपा के एक बच्चे को पाला है, तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब जान गया हूं और आज तू मेरा शिकार बनेगी और फिर मैं उस बच्चे को भी मार के खा जाऊंगा। अरे ये शिकारी कहां से आ गया, ये तो धनुष बाण लिए है, इधर ही आ रहा है, लगता है आज हम ही शिकार बनने वाले हैं, जान बचा के भाग ले भैया। अरे ये लोमड़ी तो भाग गया, अब मैं क्या करूं, ये शिकारी तो सच में खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मुझे ही ना अपना शिकार बना ले। भाग लेता हूं मैं भी यहां से, इतना कहकर शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गाय, मैं तो इस जंगल में कुछ पक्षियों का शिकार करने आया था जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन आज आते ही देखा कि शेर सामने ही खड़ा है तो मैं डर गया था, लेकिन वह शेर खुद ही डर के भाग गया, इसलिए तुम्हारी भी जान बच गई। हाँ, और ये सब तुम्हारे आने से ही हुआ है, वरना आज पता नहीं क्या होता और मेरे साथ साथ उस बच्चे को भी नहीं छोड़ता। इस शेर के साथ एक इंसानी बच्चा भी रहता है, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, मेरे मरने के बाद उसका क्या होता। क्या तुम्हारे साथ इस जंगल में एक इंसानी बच्चा भी रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूं। तभी गाय उस शिकारी को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चे को रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी माँ की जान बचाई। गाय, इस लड़के को तुमने पाला है वो भी इस जंगल में। गाय, मुझे तुम पर गर्व है, तुम सच में गाय माता हो। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कभी मिलने आऊँगा फिर माँ। मैंने कितनी बार कहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी आपका ख्याल रख सकता हूँ। अगर आज वो शिकारी न होता तो वो दुष्ट शेर और लोमड़ी आपको मार देते। माँ फिर मेरा क्या होता। माँ क्यों ना हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलकर रहें, वहां मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा और तुम्हारे लिए रोज ढेर सारा चारा और हरी घास भी ले आया करूंगा। लेकिन हम अब यहां नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी जान को बहुत खतरा है यहां। गाय और वह लड़का दोनों उसी रात चुपके से उस जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव की ओर आ जाते हैं, जहां वे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ मैं घास काटने जा रहा हूं, तुम घर पे ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन बेटा ये जगह अनजान है, तू कैसे जाएगा, तू तो कुछ जानता भी नहीं है। माँ ये कोई जंगल नहीं है जो मुझे यहाँ शेर लोमड़ी या कोई और जानवर खा जाएगा, यहाँ मेरे जैसे इंसान लोग ही रहते हैं और भला मुझे उनसे क्या डर। अब तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कहाँ जाऊं हरी घास काटने जहां फल भी लगे हों थपेड़ों पर, यहां तो कहीं दिख नहीं रहे फलदार पेड़ या हरी हरी घास, लगता है मुझे जंगल की ओर ही जाना पड़ेगा, वहीं मुझे हरी घास और ताजे फल मिल सकते हैं। लेकिन वहां अगर कोई जानवर हुआ तो। नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं जाऊंगा। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो घायल है, इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है, मेरी मदद करो। हाँ हाँ मैं जरूर करूंगा तुम्हारी मदद, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी रास्ते पर सीधे जाकर एक नदी है जहां पे एक जड़ी बूटी का पेड़ है, तुम मुझे उस पेड़ की पत्तियां लाकर दे दो, मैं उसका रस पीकर ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उस पेड़ से वो पत्तियां लेकर आता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
आज अगर तुम ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन तुम्हें इतना घाव कैसे हुआ था? मैं आसमान में उड़ते हुए जा रही थी, तभी पीछे से एक चील आ गई और वो मुझे मारकर खाना चाह रही थी। उसने ही मुझे घायल कर दिया और तभी एक दूसरी चील भी वहां पर आ गई और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी मैं चील के पंजों से छूटकर यहां नीचे गिर गई और वो दोनों चील लड़ते लड़ते उड़कर कहीं और चले गए। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां रहते हो? मैं यहीं कुछ दूर पे एक गांव के किनारे रहता हूं और मैं यहां हरी घास काटने और कुछ ताजे फल तोड़ने आया हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं है कोई भी। क्या तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है? तो फिर मैं रखती हूं तुम्हारा नाम, बहादुर। हां, बहादुर है तुम्हारा नाम, आज से मैं तुम्हें बहादुर ही कहूंगी। वह दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर बहादुर हरी घास और फल तोड़कर अपने घर चला जाता है। गांव में राजा का छोटा भाई अपने साथ दो सैनिकों को लेकर आता है और वहां के सभी लोगों से कर वसूली करता है। ये लड़का कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। छोटे महाराज, ये लड़का यहां नया आया है, कुछ दिनों पहले ही। अच्छा, तो फिर इसे भी यहां के नियम पता होने चाहिए। ए लड़के, मैं इस राज्य के राजा का छोटा भाई हूं और राज्य के सभी लोग मुझे कर देते हैं, इसीलिए तुम्हें भी सभी की तरह मुझे कर देना होगा। महाराज, मेरे पास तो कर देने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको कर कैसे दे सकता हूं? हूं, क्या तुम मुझे कर देने से इनकार कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, छोटे महाराज ये यहां नया आया है, इसीलिए इसे कुछ मालूम नहीं है। आप इसे माफ कर दें, हम इसे समझा देंगे। तो फिर ठीक है, समझा देना इसे अच्छे से। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा और तब मुझे इससे कर चाहिए ही चाहिए, समझे? जी जी, छोटे महाराज। अरे वाह, ये तोता कितना सुंदर है, सात रंग वाला तोता कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, ये तोता तो सच में सात रंगों वाला है, ऐसा तोता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सेनापति, मुझे ये तोता चाहिए, आप इसे पकड़ने का प्रबंध करें। महाराज, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक शिकारी है और पक्षियों को पकड़ने का काम करता है, वो इसे जरूर पकड़ लेगा। तो ठीक है, आप जल्द ही उसे बुलाइए और उससे कहें कि मुझे यह तोता हर हाल में चाहिए। जी महाराज। सैनिकों, उस लड़के को हमारे पास बुला कर लाओ। हां, तो तुमने मुझे अभी तक कर क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य के सभी लोग अपना अपना कर सही समय पर चुका देते हैं? हमने तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत भी दी थी जो आज समाप्त हो गई है, आज तुम्हें कर देना ही होगा। महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा पैसे जो आपको कर दूंगा? तुम मेरा अपमान कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सैनिकों, जाओ और इसके घर की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा कि इसके पास पैसे हैं या नहीं। सैनिक जाकर उसके घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें बहादुर के बचपन के कड़े मिल जाते हैं। वे कड़े राजा के भाई के पास ले जाते हैं। क्या ये तुम्हारे बचपन के कड़े हैं? हाँ महाराज, ये मेरे बचपन के कड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे खानदानी कड़े हैं, और ये तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं? तुम यहां इस गांव में कब से रह रहे हो और इससे पहले कहां रहते थे? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? सब बताओ मुझे जल्दी। महाराज, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी सिर्फ एक माँ है जो कि एक गाय है, उसी ने मुझे पाला है और मैं एक घने जंगल के पुराने खंडहर में अपनी माँ गाय के साथ रहता था। अभी कुछ दिनों से यहां इस गांव में रह रहा हूं। क्या तुम एक गाय के साथ रहते हो और वो तुम्हारी माँ है और उसने ही जंगल में रहकर तुम्हें पाला है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूं। अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये वही बच्चा तो नहीं जिसे बचपन में लोमड़ी उठा ले गई थी? अगर ये वही बच्चा है तो इससे पहले कि ये बात किसी को भी पता चले, इस लड़के का कुछ करना होगा। देखो, तुमने मुझे कर भी नहीं दिया है और ये इतने कीमती कड़े भी तुम्हारे पास मिले हैं। अगर ये बात राजा साहब को पता चल गई तो तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे महल में नौकरी करनी होगी, जिससे तुम्हारा कर भी माफ हो सके और ये कड़े वाली बात भी किसी को ना पता चले। महाराज, मैं आपके साथ महल चलने को तैयार हूं, पर मैंने कोई चोरी नहीं की है और ये कड़े मेरे ही हैं।
अब तुम चुपचाप मेरे साथ महल चलो और इन कड़ों के बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे, समझे? बहादुर अब राजा के भाई के साथ उसके महल चला जाता है। आज से तुम्हें यहां पौधों में पानी डालना है और इन पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, और यहां से आगे महल के अंदर जाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा, समझे? जी महाराज, जैसा आप कहें। बहादुर अब वही पेड़ पौधों की देखभाल करता है और शाम को घर जाकर अपनी माँ गाय के लिए घास और अपने लिए फल तोड़कर ले आता है। अब मुझे इस लड़के का बंदोबस्त करना होगा, वरना यह लड़का मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। एक दिन राजा इधर उधर टहल रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर बहादुर पर पड़ती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। महाराज, मैं यहां नया आया हूं। अच्छा ठीक है। क्या महारानी का हीरो का हार चोरी हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? महल में चोरी करने की हिम्मत किसने की? मंत्री जी, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि इस महल में वो कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। जी महाराज, मैं पता लगाता हूं। महाराज, मैंने उस नए नौकर बहादुर को महारानी के कक्ष से कुछ लेकर जाते हुए देखा था। मुझे लगता है वो महारानी का हीरो वाला हार ही था, क्योंकि उसने उसे छुपा कर रखा था और जल्दी जल्दी जा रहा था। क्या यह उस नए लड़के नौकर की करामात है? तो फिर जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी सैनिक बहादुर को राजा साहब के पास लेकर आता है। ए लड़के, क्या तुझे जरा भी डर नहीं लगता कि तू इस महल में चोरी करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तूने महारानी का हीरे का हार चोरी किया है, जल्दी से बता दे वो कहां छुपाया है।